भागलपुर के सुल्तानगंज थाने के दिलगोरी मोहल्ले के पास तलाक की वजह से दो पक्षों में खूनी झगड़ा छिड़ गया। इस झगड़े में तीन शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गए। दो पक्षों के बीच विवाद तभी थमी जब पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दो घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल दो साल पहले शाइन खातून नाम की महिला को उसके पति हामिद अंसारी ने तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। तभी से लड़की और लड़के के परिजनों में रंजिश चल रही है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ केस भी किया है, लेकिन ये विवाद देखते देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। डिवोर्स हुआ है तो उसी केस में उनका केस बना हुआ है, तो ये आपस रंजिश अभी तक चल रहा है। पुरानी मैंने कहा आपसे रंजिश? हाँ, आपकी पुरानी रंजिश है। दो साल हुई होगी शादी को, दो ढाई साल, तो वही रंजिश आपस का। हाँ, तो लड़की के ही उस पर इन लोगों का केस भी बना हुआ है। लड़की के डिवोर्स पे भी केस बना हुआ है और इनका लड़के वाले ने भी केस कर रखा है। पर आज तो पता नहीं चला कैसे, मतलब अचानक इस तरह से होना नहीं चाहिए वैसे, इस तरह से किसी पर जानलेवा हमला एक तरह से किया गया। चाची से क्या किया? छुरा था, देखा था, छुरा था। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग तीन चार लोग, वो लोग थे और ये दो भाई थे। तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नरक बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के साथ समाज में भी इसके बुरे नतीजों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मुहिम छेड़ने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।